यूपी में नतीजों के साथ नई सरकार के गठन की कवायद तेजी के साथ चल रही है, लेकिन हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला संभल के बहजोई इलाके से आया, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं पर गांव वालों ने मारपीट का आरोप लगाया है। गांव वालों का आरोप है कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। आरोप यह है कि गाली गलौज और मारपीट के अलावा फायरिंग भी की गई है। गांव वालों का यह आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत नहीं लिखी गई है, हालांकि बाद में बड़े अफसर तक खबर पहुंचने के बाद 8 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। सुदाम बाबू सनोब याद कुमार शर्मा है, जिनके द्वारा थाना तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत थाना बहजोई में कर लिया गया है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सुनील हमारे साथ है। सुनील, मुझे ये बताइए कि क्या बौखलाहट है ये, कैसे इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, और जो 8 लोग जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या इनमें से किसी गिरफ्तारी हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनावी नतीजे आने के बाद संभल जनपद में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं, जिसमें कि सपा की हार के बाद जो सपा समर्थक हैं वो बौखलाकर लगातार भाजपाइयों पर हमले कर रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी भी सामने आया है, जिसमें गांव में चुनावी रंजित को लेकर एक पक्ष में जो कि सपा समर्थक बताए जा रहे हैं, एक परिवार पर जिस तरह की बताया जा रहा है कि उसमें बीजेपी समर्थक हैं, उनके घर पर एक घेराबंदी कर बाकायदा और हमला कर दिया, घर में महिलाओं से मारपीट की, जैसा कि पुलिस का आरोप है कि विरोध करने पर उनके घर पर फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोग हल्की फूटी टूटे आई हैं और घायल भी हुए हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों को कहना है कि पुलिस की तहरीर पर हमने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सवाल तो यही कि लोकतंत्र में आजादी है हर एक नागरिक को सरकार चुनने की, और ऐसे में अब इस तरह से मारपीट क्यों की जा रही है?